हेलो एंड वेलकम टू श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे देश मौजूद हैं जो अपनी ऑर्थोडॉक्स सोच, प्रैक्टिसेस और लॉ के लिए जाने जाते हैं। ग्रीस भी उनमें से एक है, लेकिन हाल ही में ग्रीस ने एक ऐसा प्रावधान पास कर दिया है जिसकी वजह से वो हॉट टॉपिक बन गया है। ग्रीस ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाले कानून को पारित कर दिया है। इसके साथ ही सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी देने वाला ग्रीस पहला ईसाई देश बन गया है। ग्रीस ने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर एक बिल पास किया है जिसके तहत समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ अब सेम सेक्स मैरिज लीगल है। इतना ऑर्थोडॉक्स देश जहाँ आप क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, वहां पर अगर आप अब LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आपको शादी के बंधन में बंधने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस कानून के पास होने से पहले ग्रीस के संसद में 300 में से करीब 176 सांसदों ने इस कानून का समर्थन किया था और तकरीबन 76 ने इसका विरोध जताया और बाकी के 43 सांसदों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। महीनों बहस के बाद ग्रीस को समलैंगिक विवाह की मंजूरी दे दी गई है। समलैंगिक विवाह एक ऐसा विषय है जिस पर कभी भी बहस खत्म नहीं हो सकती। कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसका कड़ा विरोध कर रहा है। साल 2008 में एक लेस्बियन और गे कपल ने छोटे से आइलैंड टेलोस में जाकर शादी कर ली थी, लेकिन बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने शादी को रद्द कर दिया था। हालांकि बीते कुछ सालों में तेजी से चीजें बदली और 2015 में ग्रीस ने सेम सेक्स कपल्स की सिविल पार्टनरशिप को अनुमति दे दी थी। 2 साल पहले सरकार ने किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बदलने वाली थेरेपी पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन इसके लिए भी ग्रीस में लड़ाई लड़ी गई थी। खैर, 2024 आते आते ग्रीस में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिल गई है। दूसरी तरफ अगर अपने पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो वो पूरी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्राप्त है। साल 2008 में ये लॉ बना था जिसके आधार पर अगर आप गे या फिर लेस्बियन हैं तो कानूनी तौर पर आपकी शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं और आप शादीशुदा कहलाएंगे। क्या आपको ये पता है कि दुनिया की पहली कानूनी समलैंगिक शादी किसने की थी? पहली समलैंगिक शादी 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। इस कपल ने ऐसी शादी कर इतिहास रच दिया था। ये शादी एम्स्टर्डम के मेयर द्वारा आधी रात को कराई गई थी। फिलहाल यूरोपियन यूनियन में 27 में से 15 देशों में पहले ही सेम सेक्स मैरिज को अनुमति दी जा चुकी है, जबकि दुनिया भर में 32 देशों में ऐसी शादियों को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। दुनिया में जिन 35 देशों में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है उनमें क्यूबा, एंडोरा, स्लोवेनिया, चिली, स्विट्जरलैंड, कोस्टारिका, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इक्वाडोर, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्जमबर्ग, माल्टा, नॉर्वे, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीडन, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूएस, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और उरुग्वे का नाम शामिल है और अब ग्रीस भी इन देशों में शामिल हो गया है। बाकी बचे देशों में अफ्रीका के देश युगांडा में होमोसेक्सुअलिटी का दोषी पाए जाने पर लाइफ टाइम जेल और फांसी की सजा तक देने के प्रावधान है। अन्य अफ्रीकी देशों में भी होमोसेक्सुअलिटी पर प्रतिबंध है। कुल मिलाकर 71 देश ऐसे हैं जहां होमोसेक्सुअल होना एक जुर्म है और इसमें जेल की सजा का प्रावधान है। बता दें कि भारत देश में भी कुछ समय पहले इस कानून को लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी इस देश में LGBTQ होना कोई अपराध नहीं माना गया। मगर सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से द सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू सिविल यूनियंस एंड यूनानिमसली रिजेक्ट्स प्ली फॉर द सेम सेक्स मैरिज, जिसके बाद से देश में अब सेम सेक्स मैरिज को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। ताइवान और नेपाल को छोड़कर भारत के किसी भी नेबरिंग कंट्री या गल्फ में सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है। बता दें कि यूरोपियन संघ के अधिकांश हिस्सों में समलैंगिक विवाह अभी भी वैध होने से बहुत दूर है। बुल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड और स्लोवाकिया सहित कई सदस्य देशों में वर्तमान में इसके खिलाफ संवैधानिक प्रावधान है। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला देश नीदरलैंड है। इस देश ने 1 अप्रैल 2000 में सेम जेंडर मैरिज को मान्यता दे दी थी। बता दें कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाले अधिकतर यूरोपियन और दक्षिण अमेरिकी देश है। कुल मिलाकर अब तक 32 देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।